हेलो फ्रेंड, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लाउज़ का नेक डिज़ाइन। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और नीचे हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसकी लंबाई है 14 इंच और हमें 13 इंच तैयार रखना है। 7 इंच हमारा ऊपर से कंधा है और आर्म होल की लंबाई 5 इंच है और चेस्ट है 9 इंच और 1.5 इंच इसमें मैंने मार्जिन दिया है। नीचे से कमर है 8.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन है। तो अस्तर के कपड़े पर हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से इसकी लंबाई लेंगे लगभग 11.5 इंच पर, आप 11 इंच भी रख सकते हैं, और नीचे से इसकी चौड़ाई भी रहेगी 4 इंच पर। अब इसे चौकोर बना लेंगे, इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और इस निशान को इस तरह से सीधा खींच लेंगे। पीछे से हमारा बोट नेक रहेगा, तो इस तरह से गले का हम शेप दे देंगे बोट नेक में और मंदिर के जैसा शेप बनाते हुए हम इस तरह से इसमें डिज़ाइन का शेप दे देंगे। इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे खोल करके बीच में निशान बना लेंगे और कपड़े के ऊपर रख करके हम चौक का जो निशान हल्का हल्का दिख रहा है उसको हम पेपर पेस्टिंग पर उसी तरह से बना लेंगे। इसे हम फिर से पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे और डिज़ाइन के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। अब 1 इंच की दूरी पर हम पेपर पेस्टिंग को इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का शेप बन गया है और अस्तर वाले कपड़े पर हम पेपर पेस्टिंग को सही से लगा करके इसको आयरन की मदद से चिपका लेंगे ताकि सिलाई करते समय ये इधर से उधर ना हो। तो ये हमने चिपका लिया है आयरन से। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर से हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये हमारा पेपर पेस्टिंग दिख रहा है पतला कपड़ा होने के कारण, तो बाद में डिज़ाइन का शेप देने के बाद हम इसको पेपर पेस्टिंग को निकाल लेंगे। तो पिन की मदद से हम कपड़े को सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो सिलाई लगाते समय। अब हम अपने डिज़ाइन के शेप के अनुसार उस पर ही सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हो मेरे वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है।
इसके बाद हम पिन को अपना निकाल लेंगे और सिलाई से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े को काट लेंगे। बीच के कपड़े को भी हम बीच से इस तरह से काट करके पेपर पेस्टिंग को थोड़ा थोड़ा सिलाई से कपड़ा छोड़ते हुए डिज़ाइन का शेप देते हुए इसको काट लेंगे। अब कपड़े के ऊपर छोटा छोटा कट लगा देंगे। डिज़ाइन के चारों तरफ हम इसी तरह से कट लगा देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन पलटने में आसानी हो और इसका शेप अच्छा से बनकर आए। अब कपड़े को हम पलट लेंगे तो ये देखिए हमारा पेपर पेस्टिंग बाहर की साइड आ गया है और कोनों को हम सुई की मदद से अच्छे तरह से निकाल लेंगे। दोनों कोनों को हम अच्छी तरह से इसी तरह निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग जो हमारा है उसे भी फाड़ करके हम हटा देंगे। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, हमने सिर्फ इसका शेप देने के लिए इसे लगाया था। हमारा मेन फैब्रिक जो है बहुत ही पतला है, अगर हम इसे लगाएंगे तो हमारा कपड़े के ऊपर ये नज़र आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको फाड़ करके निकाल देंगे। अब डिज़ाइन के ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब कपड़े के चारों तरफ अस्तर और मेन कपड़े को जोड़ते हुए हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके दोनों साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। चाहे तो आप इसी तरह से इसे बना सकते हैं या इसके अंदर और कुछ डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाऊंगी। तो हम मेन कपड़े को ले लेंगे और उसको लगभग 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में काट लेंगे। छोटा छोटा टुकड़ा ढेर सारा इसी तरह से 1.5 इंच का हम काट लेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से कोने को मोड़ करके और इस तरह से फिर उसके बाद मोड़ करके हम एक डिज़ाइन जैसा बना लेंगे। सारे कपड़े में हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना सारा इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके अंदर हम इस डिज़ाइन को लगाएंगे।
दोनों कोनों को मिलाते हुए हम सबसे पहले बीच में एक डिज़ाइन को लगा लेंगे और उसके बाद हम गले के अंदर की तरफ डिज़ाइन को रखते हुए गले के चारों तरफ हम डिज़ाइन को लगा लेंगे। डिज़ाइन को हम अंदर रखेंगे और सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। सो फ्रेंड, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके और मैं भी आगे बढ़ सकूं। अगर आप चाहें तो डिज़ाइन के ऊपर से लेस लगा भी सकते या नहीं भी लगा सकते। मैं इसकी और सुंदरता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन को और सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर लेस लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो ये हमें कमर में पट्टी लगानी है नीचे की तरफ। अगर आपको ज़्यादा कपड़ा हो तो नीचे से आप कपड़ा को मोड़ भी सकते हैं। मैं इसके नीचे पट्टी लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ा इसकी पट्टी की कटिंग कर ली है। उससे पहले हम दोनों साइड में प्लेट बना लेंगे। प्लेट बनाने के बाद हम पट्टी को लगा लेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसको पलट करके एक सिलाई और लगा देंगे।
अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ते हुए कच्चा सिलाई लगा लेंगे। इसे हम तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को खोल देंगे। अभी हम ऐसे ही कच्चा सिलाई लगा दे रहे हैं। ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।